हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास सेवेंथ की इंग्लिश एनसीईआरटी हनीकॉम के चैप्टर फोर्थ द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम के पार्ट वन के क्वेश्चन आंसर्स। पार्ट वन का हिंदी एक्सप्लेनेशन हम इससे पहले की वीडियो में करा चुके हैं, अगर वो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। चलिए इस वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द नेबर्स किल द डॉग, पड़ोसियों ने डॉग को क्यों मार दिया था। आंसर इज द नेबर्स वर विकेड एंड ग्रीडी, जो पड़ोसी थे वो बहुत ही दुष्ट और लालची थे। विकेड का मतलब दुष्ट और ग्रीडी का मतलब लालची। दे यूज टू किक एंड स्कोल्ड एवरी डॉग दैट पास्ड बाय देम, वह दुष्ट व लालची पड़ोसी हर उस जानवर को या हर उस डॉग को जो उनके घर के दरवाजे के आगे से गुजरता था उसको लात मारते थे और बुरा भला बोलते थे, फटकारते थे। स्कोल्ड मतलब लताड़ना, फटकारना, बुरा भला बोलना। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ ट्रेजर पेटेड द डॉग, खजाने की खबर सुनकर उन्होंने उस डॉग को लाड प्यार किया। जब उन्हें पता चला कि कैसे उस डॉग ने अपने ओनर को, जो कि अच्छे वाले बूढ़े पति पत्नी थे, उनको खजाना दिलवाया था, ये खबर सुनकर उन दुष्ट वाले बूढ़े पति पत्नी ने भी उसको लाड प्यार करना शुरू कर दिया। इवेंचुअली द ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ किल द डॉग इन एंगर, आखिरकार उस दुष्ट और लालची बूढ़े पति पत्नी ने खजाना ना मिलने पर गुस्से में आकर उस डॉग को मार दिया। दे थॉट दैट डॉग वुड हेल्प देम फाइंड ट्रेजर बट द डॉग हैड रादर टुक देम टू अ फाउल स्मेलिंग डेड किटन, उन दुष्ट बूढ़े पति पत्नी को लगा था कि डॉग उनको भी खजाने तक ले जाएगा, लेकिन डॉग उनको जिस जगह पर ले गया वहाँ पर एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा निकला जिसमें से बहुत बदबू आ रही थी। सेकंड क्वेश्चन है, मार्क द राइट आइटम, इसमें तीन क्वेश्चन दिए हैं और हर क्वेश्चन के तीन ऑप्शन है, हमें इन तीन ऑप्शन में से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव द डॉग, बूढ़ा किसान और उसकी पत्नी डॉग से प्यार करते थे। ऑप्शन ए बिकॉज इट हेल्प देम इन देयर डे टू डे वर्क, क्योंकि वह उनकी मदद करता था हर दिन काम में, एज इफ इट वॉज देयर ओन बेबी, जैसे कि वह उनका खुद का अपना बच्चा था। ऑप्शन सी एज दे वर काइंड टू ऑल लिविंग बींग्स, क्योंकि वह हर किसी लिविंग बींग्स के प्रति बहुत ही दयालु थे, उनमें बहुत ही दया भावना थी हर लिविंग बींग्स के प्रति। सही आंसर होगा ऑप्शन बी एज इफ इट वॉज देयर ओन बेबी, बूढ़ा किसान और उसकी पत्नी डॉग से प्यार करते थे जैसे कि वह उनका खुद का अपना बच्चा हो। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच दे, जब वह अच्छे बूढ़े पति पत्नी अमीर हो गए तब उन्होंने ऑप्शन ए गेव द डॉग बेटर फूड, अपने डॉग को अच्छा खाना दिया, ऑप्शन बी इनवाइटेड देयर ग्रीडी नेबर्स टू अ फीस्ट, अपने लालची पड़ोसियों को खाने पर बुलाया, या ऑप्शन सी लिव्ड कंफर्टेबली एंड वर जेनरस टुवर्ड देयर पुअर नेबर्स, चैन से और आराम की जिंदगी जीने लगे और अपने गरीब पड़ोसियों के प्रति भी बहुत दयालु थे, उनकी बहुत मदद किया करते थे। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जब वह अच्छे वाले बूढ़े पति पत्नी अमीर हो गए तब वह आराम से जीने लगे और अपने गरीब पड़ोसियों की भी मदद किया करते थे। जेनरस मतलब दयालु। थर्ड क्वेश्चन है, द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मॉर्टर टू मेक, दुष्ट और लालची बूढ़े पति पत्नी ओखली और चक्की मांग कर लेकर गए थे ताकि वह बना सके ऑप्शन ए राइस पेस्ट्री एंड बीन सॉस, ऑप्शन बी मैजिक एश टू विन रिवार्ड्स, ऑप्शन सी अ पाइल ऑफ गोल्ड। बोरोड मतलब उधार पर लेना कोई चीज, मिल मतलब चक्की एंड मॉर्टर मतलब ओखली। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अ पाइल ऑफ गोल्ड, लालची और दुष्ट बूढ़े पति पत्नी ओखली और चक्की मांग कर लेकर गए थे ताकि वह सोने का ढेर बना सके, क्योंकि उन्होंने खिड़की से झांक कर देख लिया था जब अच्छे वाले बूढ़े पति पत्नी चक्की पीस रहे थे और ओखली में कूट रहे थे तो कैसे वो सोने के ढेर में बदल गया, इसीलिए उन्होंने भी चक्की और ओखली इसलिए मांगी थी ताकि वे उससे सोने का ढेर बना सकें। कॉम्प्रिहेंशन चेक करने के बाद अब वर्किंग विद द टेक्स्ट में भी एक क्वेश्चन दे रखा है एंड क्वेश्चन है, द ओल्ड फार्मर इज अ काइंड पर्सन, व्हाट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस डू यू फाइंड इन द फर्स्ट टू पैराग्राफ्स, बूढ़ा किसान बहुत ही दयालु व्यक्ति है और चैप्टर के पहले दो पैराग्राफ्स पढ़ने पर हमको उसकी दयालुता के, उसके दयालु होने के क्या सबूत मिलते हैं, हमें
हमें वो बताने हैं। आंसर इज द ओल्ड कपल वॉज काइंड एंड जेनरस। द फर्स्ट पैराग्राफ स्टेट्स दैट द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ ट्रीटेड द डॉग लाइक देयर ओन चाइल्ड। ही फेड द डॉग विद टिडबिट्स ऑफ फिश विद देयर ओन चॉपस्टिक्स एंड ऑफर्ड बॉइल्ड राइस टू हिम। बूढ़े पति पत्नी बहुत ही उदार, बहुत ही दयालु और अच्छे थे। फर्स्ट पैराग्राफ से हमें पता चलता है कि बूढ़ा किसान और उसकी पत्नी डॉग को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया करते थे। वह बूढ़े पति पत्नी जिस चॉपस्टिक से खुद खाना खाया करते थे, उसी चॉपस्टिक से अपने डॉग को मछली के छोटे छोटे टुकड़े खिलाया करते थे और साथ में बॉइल्ड राइस भी दिया करते थे। द सेकेंड पैराग्राफ सेज दैट टू प्रोवाइड फूड टू द बर्ड्स द ओल्ड फार्मर विल ऑफन टर्न अप द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड। सेकेंड पैराग्राफ से हमें पता चलता है कि पक्षियों को भोजन कराने के लिए बूढ़ा किसान अक्सर जमीन की सतह को ऊपर कर देता था। पक्षियों को भोजन कराना भी उसका रोज का नियम बन चुका था। बोथ दीज इंस्टेंसेस प्रूव दैट द ओल्ड मैन वॉज अ काइंड पर्सन। इन दोनों वाक्यों से ये साबित होता है कि वह बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी बहुत ही दयालु लोग थे। इंस्टेंसेस का मतलब उदाहरण, मतलब एग्जाम्पल्स। इसी के साथ हमारे चैप्टर 4 के पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के पार्ट 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। वीडियोस को लाइक कीजिए, इससे पता लगता है कि आपको समझ आ रहा है पढ़ाया हुआ। बाकी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए। थैंक यू।